और स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल टेक्निकल पार्टी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप व्हीकल की कंप्लीट डिटेल्स ऑनलाइन किस तरीके से निकाल सकते हैं। वाहन की पूरी जानकारी आप ऑनलाइन किस तरीके से निकाल सकते हैं, उसकी कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल से, तो सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा। जैसे इसको आप सब्सक्राइब करो, राइट साइड घंटे के निशान आ जाएगा, उसको दबा दीजिएगा और ऑल क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। चलो तो वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में आप सर्च कर दीजिए परिवहन। अब जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है, होम परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करके व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक करें। अब यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए कि किस स्टेट का वो व्हीकल है, किस स्टेट में व्हीकल रजिस्टर्ड है। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे आप आरटीओ सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको आरटीओ नहीं पता तो सिंपली व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करके यहाँ पे व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए या वाहन नंबर यहाँ पे आप डाल दीजिएगा और प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अब जो भी मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, उस तरीके से जो आपका अगर व्हीकल की आरसी से मोबाइल नंबर लिंक है तो आप इसके लिए प्रोसेस कर सकते हो। अगर लिंक नहीं है या फिर चेंज करना चाहते हो मोबाइल नंबर आप, तो सिंपली मोबाइल नंबर अपडेट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, फुल चेसिस नंबर, फुल इंजन नंबर, रजिस्ट्रेशन कब हुआ है, कब रजिस्ट्रेशन है, फिटनेस एक्सपायर हो रही है, तो वो सब यहाँ पे डाल दीजिए। अगर आपको फुल चेसिस नंबर, फुल इंजन नंबर ये सभी डिटेल नहीं पता तो आप व्हीकल की आरसी या फिर इंश्योरेंस या पोल्यूशन में देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको नहीं मिल पा रही है तो सिंपली आप क्या कीजिएगा, फुल चेसिस नंबर और फुल इंजन नंबर प्राप्त करने के लिए ये जो यहाँ पे जो सर्च बार है हमारे चैनल पे, इस पे क्लिक करके सिंपली डाल दीजिए CHASIS। जैसे ही आप इसको डालोगे तो नीचे की तरफ आप आइएगा, तो यहाँ पे सबसे ऊपर आप देख सकते हो। इस वीडियो को देख के इजीली आप फुल चेसिस नंबर, फुल इंजन नंबर और अदर डिटेल व्हीकल की प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद ये डिटेल्स डालने के बाद सूट डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे पूरी डिटेल दिख जाएगा। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनर नेम, फादर नेम, एड्रेस और उसके बाद जो भी आपका नया मोबाइल नंबर है जिसको आप लिंक करना चाहते हो वो यहाँ पे डाल के जनरेट ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा। आपके नंबर पे ओटीपी आ जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पे डाल के सेव डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, यस पे क्लिक करें। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, मोबाइल नंबर हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। सिंपली आप वाहन सिटीजन सर्विसेज पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करके व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक करें। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर दीजिए कौन से स्टेट से व्हीकल रजिस्टर्ड है। यहाँ पे आरटीओ डाल दीजिएगा कौन से आरटीओ में रजिस्टर्ड है। अगर आपको आरटीओ नहीं पता तो व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करके व्हीकल रजिस्टर नंबर डाल के प्रोसीड पे क्लिक करके आप प्रोसीड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे है सर्विसेज। सर्विसेज पे जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद आएगा एडिशनल सर्विसेज नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आ रहा है, एक मिनट, यहाँ पे क्लिक करोगे एडिशनल सर्विसेज पे जाओगे। उसके बाद यहाँ पे नो योर व्हीकल डिटेल्स, तो नो योर व्हीकल डिटेल्स पे जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिएगा वाहन का। यहाँ पे फुल चेसिस नंबर डाल दीजिए, यहाँ पे फुल इंजन नंबर डाल दीजिए और ये जो कैप्चा वर्ड है इसको यहाँ पे डाल के वेरीफाइड डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा। डिटेल जैसे डालोगे, प्रोसीड करोगे तो यहाँ पे मोबाइल आपका दिख जाएगा जो लिंक आपने किया है। उसके बाद जनरेट ओटीपी पे आप क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी चला जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद कंप्लीट डिटेल आपके ओपन होके आ जाएगी व्हीकल की। जैसे नाम आ जाएगा, ओनर नेम, एड्रेस, उसके बाद यहाँ पे फादर नेम दिख जाएगा, यहाँ पे जो रजिस्ट्रिंग ऑथोरिटी है आरटीओ वो दिख जाएगा, यहाँ पे अनलेडन वेट, सीटिंग कैपेसिटी, इंजन नंबर वो दिख जाएगा और इधर यहाँ पे आप देख सकते हो व्हीकल स्टेटस को। तो व्हीकल स्टेटस यहाँ पे आप देख सकते हो एक्टिव स्टेटस है, तो ये यानी कि चालू हालत में है, तो एक्टिव स्टेटस व्हीकल का। उसके बाद यहाँ पे चेसिस नंबर यहाँ पे दिख जाएगा, कलर दिख जाएगा, बॉडी टाइप, फ्यूल, स्टैंडिंग कैपेसिटी, लेडन वेट, वो सब यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको इंश्योरेंस डिटेल दिख जाएगी और उसके बाद यहाँ पे एड्रेस दिख जाएगा और बाकी अदर जो भी डिटेल है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा अदर आप इंफॉर्मेशन देखना चाहते हो और अगर आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री रिपोर्ट देखना चाहते हो, पूरा देखना चाहते हो कि जो आपका वाहन है तो इस पे कब क्या काम हुआ था, तो उसकी पूरी जानकारी आप निकालना चाहते हो तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। ये डिटेल डाल के सो डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा जी। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन है। उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी।
वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ भी आप पूछना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। व्हीकल रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा व्हीकल। तो व्हीकल रिलेटेड हमने काफ़ी वीडियो अपलोड कर रखी है, चाहे व्हीकल ट्रांसफर हो, व्हीकल एचपी टर्मिनेट, व्हीकल डुप्लीकेट आरसी, व्हीकल आरसी पर्टिकुलर, व्हीकल आरसी डाउनलोड करना चाहते हैं, व्हीकल में चालान देखना चाहते हो, या अगर आपका कॉमर्शियल ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो उसके फिटनेस परमिट रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रखी है। और भी काफ़ी कैटेगरी से रिलेटेड हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो अगर आप देखना चाहते हो, जैसे लाइसेंस रिलेटेड वीडियो आप देखना चाहते हो तो सिंपली डाल दीजिएगा लाइसेंस। जैसे लाइसेंस आप डालोगे, चाहे लर्निंग लाइसेंस हो, परमानेंट डीएल, रिन्यूअल, डुप्लीकेट, एड्रेस चेंज, नेम चेंज और भी लाइसेंस रिलेटेड काफ़ी वीडियो आप यहाँ से देख सकते हैं। और आप जानना चाहते हो किन किन कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर अपलोड होती है तो वो आप देख सकते हो। तो इन इन कैटेगरी से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोज अपलोड होती रहती है। तो सोशल साइट पर अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो अबाउट पे क्लिक कीजिएगा और इस पेज पे नीचे की तरफ आइएगा। सोशल साइट के काफ़ी लिंक हमने दे रखे हैं तो इन पर आप हमको फॉलो कर सकते हो। और बाकी यहाँ पे भी हमने लिंक ऐड कर रखे सोशल साइट के, तो इनके थ्रू आप हमसे ज्वाइन कर सकते हो या फॉलो हमको कर सकते हैं। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए जुड़ना चाहते हो इस चैनल से तो सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा। जैसे ही इसको आप सब्सक्राइब करोगे राइट साइड में घंटे के निशान आ जाएगा, उसको दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।